उत्तराखंड की कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा का मंगलवार को देहरादून के प्रदेश कार्यालय में आगमन हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह बैठक उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए है, साथ ही साथ कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस पर सभी नेताओं ने बातचीत होगी। इसके तहत ही उन्होंने निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर भी आयोजित बैठक में चर्चा की। वहीं इस मौके पर बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, चकराता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज प्रदेश की जो नगर निगम और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होना है, एक बाई इलेक्शन होना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, तो उसी में किस तरह से चुनाव लड़े जाने, किस तरह से मिलके सब लोग उसमें भाग लेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग है और उसी में शिरकत करने के लिए मैं भी आया हूँ। और आज जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, राज्यपाल जी से भी मिलने का वक्त लिया है। प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है और जिसमें सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो राज्यपाल जी से हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि देव भूमि है, इसको क्राइम भूमि नहीं बनने देना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम उसको निभाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडेज हैं हमारे, अभी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव सामने हैं, बाई इलेक्शन है केदारनाथ का, और हमको उसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां करनी है, और भी बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसपे पार्टी स्तर पर डिस्कशन होना है। सीनियर लीडर्स की एक 17 लोगों की एक कमेटी जो बनाई गई है हाईकमान के द्वारा, उसकी आज एक बैठक है जिसमें प्रतिभा करने के लिए आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं, और देखते हैं इस मीटिंग के बाद। फिर राज्यपाल के यहाँ भी समय लिया है।